दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बनाने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सुबह रोज़ाना अपनी हेल्थ से कम्प्रोमाइज़ करके लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं या फिर ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ऐसा लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जिससे आपकी इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर भी हो रही है। अब देखिए, चीनी ही इनमें से एक है। आप चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं चीनी डालकर। अब दरअसल स्टडी बताते हैं कि जब आप लगातार चीनी का सेवन करते हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। इसलिए आपको चीनी का सेवन जो है वो थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है। दरअसल हेल्दी रहने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमें कई तरीके के इन्फेक्शन, वायरल और पैरासाइट से बचाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसके साथ ही हमें खतरनाक बीमारियों से बचाने में भी हेल्पफुल है। कई चीज़ों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक कमज़ोर आपका होने लगता है। इसलिए उन फूड्स के बारे में जानते हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें शुगर है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करने से सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया और वायरस से नहीं लड़ पाती हैं, जिसके चलते इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक आपका कमज़ोर भी हो सकता है। इसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड का साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट की मात्रा काफ़ी हद तक अधिक होती है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। इसके साथ ही शराब का सेवन अगर आप बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो उससे भी आपके इम्यून सिस्टम पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। कई तरह के इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है वो शरीर में कम होने लगती है। साथ ही आप फ्राइड फूड का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की समस्या आपको बढ़ाते हैं। साथ ही इसमें इम्यून सिस्टम पर ही काफ़ी बुरा असर पड़ता है। आप रिफाइंड अनाज अगर ले रहे हैं तो पोषक तत्वों और फाइबर की मात्रा इसमें कम होती है, जिससे पेट के माइक्रोबिया में असंतुलन पैदा होता है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी माना गया है। कैफीन का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।